मेरे दिल को बड़ी खुशी होती है कि हमें जब भी मौका मिलता है एनआईयू मिनिस्ट्री की तरफ से कि हम अपना वचन एक वीडियो रिकॉर्डिंग की जरिए से अपने कलीसिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज शाम मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर से हमें यह अवसर दिया। और मिस्टर डेरल भेंगरा जो हमारे एनआईयू मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उन अपने कलीसिया के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इस समाचार को जब सुने तो अपने दिलों में रखें ताकि हम इस दुनिया के खौफ और खतरों से निकलकर अपना एक मसीही जीवन बिता सकें। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए जो आपने हमें दी है और इस अवसर के लिए कि हम आपके पवित्र शास्त्र से कुछ वचन पढ़ के अपने बहन और भाइयों तक पहुंचा सकें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वचन को सुनेंगी वो आपकी बादशाहत में जाने के लिए तैयारी करेंगी, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज शाम जो है हमारा जो समाचार का शीर्षक है वो हमने चुना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे। वॉट डज द वर्ड ऑफ गॉड सीज। अधिकतर ये देखा गया है कि हम लोग जब अपने जीवन में कोई फैसला लेते हैं तो हम अपने दोस्तों के विचारों के अनुसार चलते हैं और ये सवाल करते हैं कि हमारे दोस्त क्या कहते हैं कभी हमारे फैसले के बारे में। उनके बाद हम जाते हैं उन लोगों के पास जो बहुत बुद्धिमान हैं, फिर उनसे भी हम पूछते हैं, उनकी सलाह लेते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं हमारे फैसले के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे मसीह होने के बारे में, जब जब हमने मसीह को अपनाया है। लेकिन आज एक हम सवाल हमारे आगे ये आता है, हमारे सामने ये है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे। क्या हम परमेश्वर के वचन के लिए ठहरते हैं? उसको जरा खोल करके पवित्र शास्त्र को ये देखते हैं कि जो भी फैसला हम अपनी जिंदगी में ले रहे हैं उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए जो आज की जो मुख्य आयत है और मुख्य बाप और किताब है वो हमारी है गिनतियों की किताब, और हमने 13 बाप और उसकी 30वीं आयत चुनी है। आइए हम पढ़ेंगे और ये आयत क्या कहती है। ये आयत ये कहती है कि पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। जब मूसा ने इसराइलियों की कौमों के लोगों को 10 को चुना और उन 10 में कालिब और यहोशू को चुना और उनसे कहा आप कालिब कनान देश जाइए और वहां का भेद लेकर आइए कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां की जमीन कैसी है, उपजाऊ है या बंजर है, वहां के लोग बलवान हैं या कमजोर हैं, वहां पर खेती कैसी होती है, वहां पर पेड़ और पौधे कैसे हैं, फल किस प्रकार के होते हैं और वहां के शहर कैसे हैं, बड़ी बड़ी दीवारों वाले हैं या वो छोटी दीवारों वाले हैं। ये सब जो वर्णन है वो मूसा ने उनसे कहा कि आप जाइए और उस कनान देश की पूरी रिपोर्ट लेके आइए और उसका वर्णन मुझे दीजिए। फिर ये लोग 10 इजरायली कौम के लोग थे और इनमें 2 कालिब और यहोशू था। ये 12 आदमी कनान देश जाते हैं और उसकी खोज में लग जाते हैं और इधर उधर जा करके पूरी रिपोर्ट कनान देश की बनाते हैं, पूरा वर्णन लेके आते हैं। इन्होंने 40 दिन इस रिपोर्ट बनाने में लगाई। अब रिपोर्ट क्या होती है और रिपोर्ट क्या मांगी थी, उससे पहले जब हम उसका वर्णन करें, हम आपको एक उदाहरण के तौर पे एक कंपनी की कहानी बताते हैं। अमेरिका में एक कंपनी होती है,
कुछ सालों की बात है कि अमेरिका में एक जूता बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी, और ये कंपनी जो है जूता बनाती थी जिसको कि आदमी पहने और पहनकर उसका आनंद करे। इनकी जो बिजनेस थी वो ये करना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बड़े शहर के बाहर जो कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एबोरिजिन्स कहते हैं उन्हें, एबोरिजिन्स वो लोग होते हैं जो बड़ी सिटी के बाहर रहते हैं। और इस कम्युनिटी के लोगों के पास इस कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी ने जो जूता बनाती थी, इन्होंने अपने दो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भेजे। दोनों से ये कहा, आप जाइए और इस कम्युनिटी के लोगों से मिलिए और देखिए कि अगर हम अपना व्यापार जूते का इन लोगों के साथ करना मांगे ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारी बिजनेस कितनी अच्छी चल सकती है या नहीं चल सकती। ये दोनों सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचते हैं और फरक फरक जगह पर जाते हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। इन्होंने कुछ हफ्तों के बाद सबसे पहले एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी रिपोर्ट बनाकर कंपनी को फैक्स कर दी, और उसमें लिखा था कि मैं बड़े अफसोस के साथ इन लोगों के बारे में रिपोर्ट भेज रहा हूं। मुझे दुख है कि हमें और कंपनी को, इससे पहले मैं यहां पर आता एक रिसर्च करनी थी और अच्छे ध्यान से सोचना था कि यहां पर आने से मुझे क्या लाभ हुआ। मैं ये बड़े अफसोस के साथ ये फैक्स कर रहा हूं, और दुख है मुझे कि कंपनी ने मुझे यहां भेज करके इतने पैसे खर्च करे और वो पैसे कंपनी के बर्बाद हो गए, क्योंकि मैंने यहां इन लोगों के साथ रहा और ये देखा कि ये लोग जिंदगी में कभी जूते ही नहीं पहनते हैं, इन्होंने कभी जूते नहीं पहने। इससे मुझे ये पता चला कि हमारी जूता की व्यापार इन लोगों में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस जगह जिस चीज का इस्तेमाल ही नहीं होता, चाहे वो जूते हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे किसी प्रकार की भी चीज हो, जब वहां वो लोग इस्तेमाल नहीं करते तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ये हमारा बिजनेस यहां पर चलेगा। और उसने बड़े दुख के साथ ये फैक्स कर दिया और कहा कि मैं यहां पर ठहरा हूं और जल्दी से जल्दी मैं वापस आना चाहता हूं ताकि मैं अपने कंपनी में अपने घर पहुंच जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी रिपोर्ट फैक्स कर दी। मेरे बहनों भाइयों, अब ये देखिए इसकी फैक्स रिपोर्ट में क्या वर्णन किया गया था। दूसरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़े विचार करने के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, और वो भी उन लोगों के बीच में भेजा जहां पर लोग बिल्कुल जूते ही नहीं पहनते हैं। इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट में आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो पैसा आपने मेरे भेजने में खर्च करा था, उस पैसे का आपको आगे चल के बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि इस जगह जो लोग हैं वो कभी जूते नहीं पहने हैं अपनी जीवन में, और मैं सोचता हूं कि हमारी कंपनी के जूते बनाए का व्यापार अगर हमने यहां स्टार्ट करा ऑस्ट्रेलिया में लोगों के बीच में, वो बहुत ही अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जूते पहनने का शौक पहली बार होगा, और जब ये जूते पहन करके एक आनंद पाएंगे तो इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा और हमारे जूतों का व्यापार बहुत अच्छी तरह यहां पर शुरू हो जाएगा। और एक बात और है, क्योंकि हमारे व्यापार में हमारे बराबरी करने वाला यहां कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी ने यह कभी विचार करके नहीं सोचा
कि यहां पर जूतों का व्यापार चलेगा या नहीं। सबने यही सोचा कि जहां जूते पहनते ही नहीं लोग तो वहां जूते खरीदेगा कौन। लेकिन ये दूसरा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, इसने बड़े सोच विचार के ये रिपोर्ट बनाई कि हमारा बिजनेस यहां चलेगा और हमारी बिजनेस को यहां कोई नहीं रोक सकता और हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर या हमारी बराबरी यहां कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस रिपोर्ट को पढ़िए और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम जूतों का व्यापार यहां शुरू करें। इस समय हम ये देखेंगे मेरे भाइयों कलीसिया के लोगों के दो लोग भेद लेने के लिए गए, दो लोग जूते के व्यापार करने के लिए खोज करने गए, एक ने नेगेटिव रिपोर्ट भेजी, एक ने पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जब मूसा ने 10 इसराइलियों की कौम के लोगों को चुना और उन 10 में केलब और जोशुआ, यहोशू और कालिब भी शामिल थे और मूसा ने इन्हें कहा आप जाइए कनान देश और ये रिपोर्ट आप लेकर आइए और उसका वर्णन यहां पर दीजिए, क्योंकि मुझे ईश्वर की तरफ से ये बुलाहट आई है कि हम उस देश के बारे में अच्छी रिपोर्ट देख करके लाए। और जो रिपोर्ट वो लेकर आए थे 40 दिन के बाद, वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र से उस रिपोर्ट के बारे में कुछ वर्णन करेंगे। यहां पर 13 बाब गिनती की किताब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया जिस देश में तूने हमें को भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की नदियां बहती हैं, धाराएं बहती हैं और उसकी उपज बहुत ही अच्छी है, वहां कई प्रकार के अच्छे फल पैदा होते हैं और वहां पर उनकी जो शहर है वो बड़े सुंदर हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं और वहां के जो लोग हैं बड़े डिलडोल वाले हैं, बहुत बलवान हैं। हमने ये देखा वहां पर, आपने जो रिपोर्ट हमसे मांगी थी वो रिपोर्ट हम लेके आए हैं और जो आपने कहा था ये रिपोर्ट में वही हम लेके आए हैं। यहां तक कि जब वो वापस आए इसराइलियों को कौम और कालिब और यहोशू, वो वहां के फल तक के लेके आए और मूसा को फल दिखाए कि देखिए ये फल हम वहां से लेके आए हैं, कितने सुंदर कितने अच्छे फल वहां पर पैदा होते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये देश जो है अगर हम इसके बारे में 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे, इसमें लिखा है इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे जिस देश का भेद लेने हमको इधर उधर घूमकर आए हैं वे अत्यंत उत्तम है। ये कौन कह रहा है? कालिब और यहोशू। हम उस देश में गए, इधर उधर घूमे और हमने वह क्या देखा और यह देखा कि वो जो देश है वो बहुत ही उत्तम है, बहुत सुंदर है, वहां पर दूध की मधु की धाराएं बहती हैं और अच्छे फल होते हैं। और उससे ज्यादा और हम क्या कहें, अगर हम अभी अपने मन में ठान लें कि हम वहां पर जाकर के उस कनान देश को अपना लें और वहां पर जाकर रहने लगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरे बहनों भाइयों, हम यहां पर यह देखेंगे 31वीं आयत में, गिनती की किताब 13 बाब 31वीं आयत में, जब कालिब ने यह कहा वहां के लोगों से जो रिपोर्ट लेके आए थे इजराइली कौम, उन्होंने ये कहा निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है कि हम वहां जाकर रह सकते हैं, उस कनान देश को हम अपना सकते हैं,
हम में शक्ति है। और वो अपनी शक्ति को किस प्रकार बता रहे थे, उन्हें पता था कि उनका यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने इजरायली कौमियों के साथ और कालिम और यहूसियों के साथ उन्हें वायदा करा था, उनके पूर्वजों के बाद उन्हें वायदा करा था, उन्हें शपथ खाई थी कि मैं ये कनान देश आपके लोगों को दूंगा, सिर्फ आपको वहां जाकर उस कनान देश में कब्जा करना है और मेरे वचन पर विश्वास करना है। इस समय इजरायली कौम के लोगों को क्या करना था, उनको ईश्वर का, परमेश्वर का वचन खोलकर यह देखना था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता आया है, परमेश्वर के वचन ने इनके पूर्वजों को क्या कहा था और अभी क्या कहता है और आगे भी क्या कहेगा। इन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करा, इन्होंने विश्वास करा एक दूसरे पे, एक दूसरे की बात मानी, अपने दोस्तों की बात मानी और उस उन अपने विचारों के अनुसार उन्होंने ये फैसला करा। इस फैसले में उन्होंने ये लिखा, पर जो पुरुष से उसके संग गए थे उन्होंने कहा, 31वीं आयत, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। सही बात है, यह कोई झूठी बात नहीं है। हम जब किसी देश पर चढ़ाई करते हैं हम में शक्ति नहीं हो सकती, लेकिन हमें शक्ति कौन देगा, हमारी कलीसिया के लोगों की शक्ति कौन है? 2 साल के कोरोना के कारण हमें शक्ति कहां से मिली? हमने इतने विचार प्रकट करे, इतनी मीटिंग चली, सभाएं चली जूम के थ्रू, हमें शक्ति कहां से मिली? मेरे बहनों भाइयों, शक्ति देने वाला तो ईश्वर है। ये भूल गए थे इजरायली लोग कि शक्ति जो है सिर्फ परमेश्वर से मिलती है, लेकिन कालिब और यहोशू ये कहते गए कि हम में शक्ति है और हम जा करके उस देश पे चढ़ाई करें और प्रभु हमारे साथ रहेगा, वो हमारे हमेशा साथ रहेगा और हम इस देश पे कब्जा कर सकते हैं, इन लोगों पे कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि ये देश बहुत ही सुंदर है। और ये कहते क्यों उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा क्योंकि वे हमसे बलवान हैं और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था वह कहकर निंदा की कि वह जो जिस देश का भेद लेने हम गए थे ऐसा देश है कि वो अपने ही निवासियों को निगल जाता है। मेरे बहनों भाइयों, हमें यह पता है कि इजरायली कौम शुरू से आखिर तक उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के कितने आश्चर्य कार्य देखे, अद्भुत कार्य देखे। उनको जंगल में पानी पीने के लिए ईश्वर ने दिया, खाना भोजन दिया, उनको मिस्र देश से निकाल कर लाया, सब कुछ उनके लिए करा, फिर भी इन लोगों ने प्रभु परमेश्वर विश्वास नहीं करा, अपने ऊपर विश्वास करा, अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास करा। इस समय ये कह रहे हैं कि वो लोग बहुत बलवान हैं, हम उन पर चढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ, ये सच है, हम नहीं कर सकते, हम किसी चीज पे भी चढ़ाई नहीं सकते, हम अपने जीवन में किसी काम पर कामयाबी नहीं कर सकते जब तक हम ये न जाने कि जिस परमेश्वर ने हमें वायदा करा है कि शक्ति मैं दूंगा, ये जो लड़ाई है वो लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई तो मेरी है, आपको सिर्फ विश्वास में आगे बढ़ना है। आज मैं अपने विचार में इस वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं अपने बहनों भाइयों से, कलीसिया के लोगों से, कि जब तक हम अपने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी चीज में भी सफलता नहीं पा सकते। अगर आज हम इस दुनिया में जिंदा हैं, तो वो सिर्फ हम अपने परमेश्वर की वजह से, क्योंकि वो हमारे साथ है, उसने हमेशा वायदा करा है कि वो हमारे साथ रहेगा। और आज नहीं,
अगर आप मती की किताब 28वां बाब उसकी 20वीं आयत में देखेंगे, यीशु मसीह ने यह वायदा करा है कि मैं आपके साथ रहूंगा अब से और हमेशा तक। जब परमेश्वर का वायदा हमारे साथ है तो हमें घबराने की क्या जरूरत है। परेशानियां आएंगी जीवन में, कठिनाइयां आएंगी, जैसे कि कोरोना वायरस की कठिनाई हमारे सामने आई जो हमने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं था, लेकिन आज हम इस दुनिया में जिंदा हैं तो अपने परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से जिंदा है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसी में जिएंगे और मरते समय भी प्रभु यीशु मसीह में मरेंगे। और जब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में अपने लोगों को लेने आएगा तो उस दिन हम अपने जो मसीह में सो गए हैं वो सब जिंदा किए जाएंगे, उन अपनी कब्रों से वे उठेंगे। जब नरसिंगा फूका जाएगा, यीशु मसीह आवाज देगा, हजारों हजारों फरिश्तों के साथ आएगा और हम लोग जो मसीह में सोए हैं वो अपनी कब्रों से निकल के अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ आसमान के बादलों पर जाकर के प्रभु के साथ अनंत जीवन बिताएंगे। आइए हम आगे चलेंगे, इसमें क्या कहते हैं, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हम जाते हैं 14वां बाब गिनती की किताब और उसमें 7वीं आयत में हम ये लिखते हैं कि जब उन्होंने कहा यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है, 8वीं आयत, तो हम को उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचाकर हमें दे देगा। क्या हमारे अंदर ये विश्वास है? हम विश्वास करते हैं जिस देश में दूध और मधु की नदियां बहती हैं, धाराएं बहती हैं, हमारा प्रभु, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं और वो हमसे प्रसन्न है, खुश है, तो वो हमें उस देश में जरूर पहुंचाएगा। और ये सच है, और आज हम इस सच्चाई को पवित्र शास्त्र से प्रूव करेंगे। हम अपनी पवित्र शास्त्र से इस सच्चाई को आज उगल देंगे और मानेंगे। आगे चलिए, और उसमें करता है केलब, यही उनसे अनुरोध करता है इजरायली कौम से, आप सिर्फ ये देखिए 9वीं आयत में 14 बाब, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। आप क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध बलवा ना करो और उनसे डरो मती, हमारी उनके ऊपर प्रभु की छाया हट गई है। किनके ऊपर से? जो लोग कनान देश में अभी रह रहे थे, प्रभु उनके साथ नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, ये तो हम जानते हैं। पवित्र शास्त्र के प्रभु हमेशा इजरायली कौम के साथ शुरू से आखिर तक रहा है, और आज केलब और यहोशू यही कहना चाहते हैं अपने लोगों से कि प्रभु की छाया हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी, चाहे वो लोग कितने भी बलवान हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आगे अगर हम देखेंगे, ये कहते हैं इस आयत में यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। इसमें बहुत, इस आयत में बहुत ताकत है, बहुत भरोसेमंद आयत है ये। हम उन लोगों से ना डरें क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये काले बताना चाहता है इजरायली कौम के लोगों को, लेकिन हम और आप जानते हैं ये लोग एक ऐसे हो गए थे, ये किसी की नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे और हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते थे, और यहां पर भी यही हुआ है। यहां तक कि ये लोग इतने गुस्सा हो गए कालिब की बात सुन के, वो उन पर और मूसा पर और मूसा का भाई हारून पर पथराव करने के लिए तैयार थे, उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए, इतना गुस्सा हो गए। मेरे बहनों भाइयों, जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए आती है, और हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं कि हमेशा जब तक हम दुनिया में जिएंगे, जीवित रहेंगे,
परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, तो हमें घबराने की क्या जरूरत है। आज हम ये देखते हैं दुनिया में कितने लोग परमेश्वर के काम में आकर के रोड़ा बन जाते हैं, और जब लोग हमें परमेश्वर के बारे में बताने से रोकते हैं हम घबरा जाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, ये जो युद्ध हम लड़ रहे हैं ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध हम परमेश्वर का है, वो हमारे लिए लड़ेगा। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है दुनिया में, इसलिए हम आगे बढ़ते हुए आखिरी में ये कहना चाहते हैं कि अब हम गिनती की 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत पर आए, उसकी 22, 23 और 24 आयत पढ़ेंगे। मेरा जो आज का समाचार है वो मैं कहना चाहता हूं, उस जो ये समाचार गिनती की बाब उसकी 22वीं 14वां बाब उसकी 22वीं 23वीं और 24वीं आयत में हम अपने विचार करेंगे और देखेंगे कि पवित्र शास्त्र क्या कहती है और प्रभु का वचन क्या कहता है। इसलिए हमारा शीर्षक आज ये था, आइए हम इस पर गौर करें। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। प्रभु को कितना दुख हो रहा है, वो किसके बारे में कह रहा है? हमारा परमेश्वर, वो इजरायली कौम के लोगों के बारे में कह रहा है। हम दोबारा इसे पढ़ेंगे, इस आयत को, 22वीं आयत को। उन लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कामों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। मेरी बातें नहीं मानी मतलब कि मेरे वचन पर विश्वास नहीं करा। उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा कि मेरा वचन क्या कहता है। बड़े दुख की बात है, परमेश्वर इस समय बड़ी दुखी से ये आयत लिख रहा है। 23वीं आयत क्या कहती है? इसलिए बड़े गौर से सुनिए इसे, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको भी कभी देखने न पाएंगे। क्या दुख की घड़ी है, क्या दुख की घड़ी है। जिस परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ करा, एक कनान इतना सुंदर देश उनके लिए देने के लिए तैयार करा, वायदा करा उनके पूर्वजों से और उनसे, और आज परमेश्वर कोई ऐसे शब्द बोलने पड़ रहे हैं जो हमारी गिनती की किताब 14वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है। इसे दोहराएंगे हम, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई और उसको भी कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। मेरे बहनों भाइयों, हम अपने जीवन से इस पर पे विश्वास ना करके, उसके वचन पे ना चल करके हम अपने परमेश्वर का अपमान करते हैं, और आज परमेश्वर हमसे ये कह रहा है इस आयत के अनुसार कि इन लोगों ने हमेशा मेरा अपमान किया है, और वो इस कनान देश में कभी नहीं जा पाएंगे। जहां तक कि परमेश्वर ने ये शपथ खाई थी उनके पूर्वजों से कि मैं ये कनान देश आपको दूंगा, जो देश, जिस देश में मधु दूध की नदियां बहती हैं, अच्छे सुंदर मीठे फल पैदा होते हैं, यहां के लोग सुंदर हैं, बलवान हैं, हर एक सुंदरता वहां पर पाई जाती है, लेकिन इजरायली कौम अपने अविश्वास के कारण इस कनान देश में
जा ना सके। मेरे बहनों भाइयों, मेरा सवाल आज यह है अपनी कलीसिया के लोगों से, क्या हम भी उस कैटेगरी में हैं? कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के वचन के अलावा बजा हम अपने रिश्तेदारों की बात माने, अपने दोस्तों की बात माने, या अपने बुद्धिमान लोग जो हमारे साथ हैं उनकी बात माने। नहीं, जब भी जब हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई सवाल आता है, हमारे सामने पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है, हम उसको खोलें और उसको पढ़ें और देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या कहता है। हम आज आखिरी आयत में जाएंगे जो हमारा आज का शीर्षक था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। What does the word of God says to us? आज हमारा और आपका क्या इरादा है, क्या ईश्वर के साथ वायदा है कि क्या हम अपने दोस्तों को सुनेंगे या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। आइए हम 24वीं आयत देखेंगे और बड़े गौर से सुनिए। 14वां बाब 24वीं आयत, गिनती की किताब, इसका जो पूरा निचोड़ है वो 24वीं आयत में दिया गया है। यह कहता है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और ही आत्मा है, किसके साथ? कालिब के साथ, यहोशू के साथ। आगे क्या कहता है परमेश्वर, और उसने पूरी रीति से मेरी अनुकरण किया है, पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह होकर आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। मेरे बहनों भाइयों, आखिर में परमेश्वर ने ये कहा, इजरायली कौम जिन्होंने मेरा हमेशा अपमान करा, जिन्होंने हमेशा मेरी बेइज्जती करी, मेरे वचन पे विश्वास नहीं करा, कभी भी कनान देश देख नहीं पाएंगे, उसमें जा नहीं पाएंगे। और जो मेरा दास कालिब, जिसने अपने जीवन से मेरी पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया, मैं उसको उस देश में जिसमें वह होकर आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा वंश कनान देश का अधिकारी होगा। मेरे भाइयों, बड़े विचार से सोचिए, इस कहानी को पढ़िए, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मैं आखिर में एक आयत के साथ मैं बंद करूंगा अपना सुसमाचार। आइए हम व्यवस्था विवरण की किताब खोलेंगे। व्यवस्था विवरण इसी के बाद में है, गिनतियों की गिनती की किताब के बाद में, और उसकी 31वें बाब में जाएंगे। और ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इसी आयत के साथ आप सब लोगों से विदाई लूंगा आज अपने सुसमाचार सुनाने के बाद। इसमें हम 31वां बाब व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 6 आयत में जाएंगे। यह 6 आयत में यह लिखा है, तू हयाब बांध और घबरा मत, हिम्मत बांध घबरा मत। आगे क्या कहता है, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरे बहनों भाइयों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, परमेश्वर के शब्द है। ये कहता है, तू घबरा मत, हिम्मत मत तोड़। मूसा किससे कह रहा है? यहूसे से कह रहा है, जोसेफ से कह रहा है, तू घबरा मत बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो तेरे साथ चलने वाला है वो तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझ
को धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी हमें धोखा ना देगा और मेरे भाइयों ना कभी छोड़ेगा। मैं इस वायदे के साथ जो व्यवस्था विवरण की किताब 31वां बाब उसकी 6वीं आयत में मिलता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना हमें कभी धोखा देगा। क्या आप और मैं इस पे विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो मेरे भाई ने भाइयों आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु से वायदा करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार विश्वास करेंगे और उसके वचन को ही खोलेंगे और देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आपने एक पवित्र शास्त्र में अपने विचार प्रकट किए हैं जिसमें यह लिखा है प्रभु कि तुम किसी से मत डरो, वो आपसे बलवान हो सकते हैं, वो आपके आपसे ज्यादा डील डोर में हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ चलने वाला कौन है? वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हमें किसी से नहीं डरना है प्रभु। हम आपसे ये विनती करते हैं तो हमारे कलीसिया के लोगों को और हमें और हमारे परिवार के लोगों को ये संदेश सुना और संदेश हमारे दिल में डाल कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ चलने वाला जो है वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना धोखा देगा। प्रभु, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये प्रार्थना आपके नाम से मांगता हूँ, सुनना और ग्रहण करना।